हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको BTUP का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है फार्माकोगनोसी का, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि सारे क्वेश्चन कहां से आए हैं, ताकि उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका कि एग्जाम अभी नहीं हुआ है। अदर स्टेट्स हैं जैसे कि MP में होने वाला है, राजस्थान और भी जहाँ जहाँ पर नहीं हुआ है एग्जाम, उनके लिए ये काफी अच्छा रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं, मैंने बोला था ना कि फार्माकोग्नोसी का बस सिलेबस पढ़ लो, 10 नंबर तो वहीं से आएंगे और मैं दिखाता हूं कैसे आएंगे। और जो हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड तैयार किया था, 100% क्वेश्चन इससे आए हैं। जो बोलिएगा तो मैं PDF से आपको दिखा दूंगा और साथ साथ में दिखाते भी चलूंगा आपको क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। जो बच्चे अभी एग्जाम नहीं दिए हैं और उनका एग्जाम देना है, कुछ दिन समय है, तो इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर गया होगा सारे बच्चों का, आई होप। वैसे आप लोग मिलाइए कितना क्वेश्चन सही किए नहीं किए। पहले हम लोग MCQ की ओर बढ़ते हैं। वैसे पेपर को 3 पार्ट्स में दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना था, एकदम बिल्कुल PCI के मॉडल को फॉलो किया गया है। और पार्ट बी में आपके 11 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से कोई 10 क्वेश्चन करना था बिल्कुल। और पार्ट सी में आपका क्या था, एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, कुछ MCQ आ गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, कुछ वन वर्ड क्वेश्चन आ गए। और क्वालिटी थोड़ा सा पेपर का क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हमारे पास ऐसी ही क्वालिटी में पेपर आई हैं, तो आप क्या करेंगे, फोन का क्वालिटी एकदम ज्यादा बढ़ा लीजिए, जितना बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन क्लियरली पढ़ पढ़ के बता दूंगा अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। पहला क्वेश्चन था, सिंकोना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ड्रग, सिंकोना किस ड्रग में यूज किया जाता है। तो सिंकोना क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। मैंने आपको बोला था ना, बस सिलेबस पढ़ लो फार्माकोग्नोसी का, सिलेबस पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आएगा। दिखाऊं कैसे क्वेश्चन आया, चलो दिखाता हूं। हमने अपने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड में जो आपके सिलेबस को ऐड किया था, देखिए ये हमारा गाइड है और ये हमारा गाइड का PDF है, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे, बस शुरुआती 2-3 पेज सिलेबस में दिख रहा है ना। देखिए ये क्या है, सिलेबस है, ये क्या है, सिलेबस है। सिलेबस से देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर 5 का सिलेबस निकालेंगे और हम लोग चल जाएंगे एंटी मलेरियल में। एंटी मलेरियल भैया कहाँ है, तो देखिए एंटी मलेरियल कौन सा ड्रग है, सिंकोना और अर्टेमिसिया। तो पूछ दिया सिंकोना क्या है, तो अर्टेमिसिया है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं मार देंगे, बताइए खाली सिलेबस याद करने से, वो भी चैप्टर 5 का बस सिलेबस याद कर लेंगे तो कितना क्वेश्चन बनेगा अभी देखिएगा। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन आंसर बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितना इजी क्वेश्चन आता है, तो मलेरिया इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए स्वीट इन टेस्ट, स्वीट कौन सा ड्रग है, तो आपका लिकराइस होगा। ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पढ़ना होता, लेकिन ये भी पढ़ाया हुआ था, हमने लास्ट डे रिवाइज भी कराया था कि स्वीट टेस्ट किसका होता है, तो लिकराइस का होता है, ग्लाइसिराइज़ा ग्लेपरा नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग का पढ़ाई हम लोग किसमें करते हैं, बताइए क्रूड ड्रग के बारे में किसमें पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, है कि नहीं। देखिए आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से क्लियर कट लिखा हुआ है, आप पहला चैप्टर का पहला पेज ही देख लीजिए, हमारे गाइड का पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर का पहला पेज देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फार्माकोग्नोसी मींस स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, और नेचुरल ओरिजिन से हम लोग किसका पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं ना। तो ये पहले लाइन से ही क्वेश्चन आया, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया है, और ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आराम से बनना चाहिए था आपसे और बना भी है बहुत, क्योंकि अभी तो आपके साथ पेपर मैं यूट्यूब पे काफी लेट से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब का एक्सेस है नहीं, है ना, क्योंकि ऑफिस से कंट्रोल होता है, मैं कहीं और रह के काम करता हूँ, तो इसलिए नहीं, तो मैंने लाइव आकर के ऐप पर मेरा एक्सेस है, तो मैं ऐप पर लाइव आकर के जैसे पेपर हुआ शाम को डिस्कस किया सारे बच्चों के साथ, और जो भी बच्चे हमारे साथ इंटरेस्ट मतलब पेड बैचेज में जुड़े हुए, सारा का पेपर बहुत अच्छा गया। लोग अक्सर फेल होते हैं, बैक लगता है कोग्नोसी या तो केमिस्ट्री में, और कोग्नोसी सारे बच्चों का इतना तगड़ा गया है, क्या बताएं, हर बच्चा मतलब बहुत अच्छा स्कोर करेगा इस बार, जैसा कि इतिहास रहता है फार्मेसी में कितने बच्चे फेल हो जाएंगे, तो भैया हम लोग के रहते फेल नहीं है, अब समय बदल रहा है, अब आपके पास सुविधाएं हैं, पहले था कि सुविधाएं नहीं थी जिस वजह से बच्चों का बैक लग जाता था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स से कौन सा ड्रग ऑप्शन होगा, बताइए, कोरिएंडर मतलब था धनिया, क्लोव मतलब था लौंग, कोलीन ये फार्मास्यूटिकल एड है ना, ये तो होगा नहीं, बीज वैक्स भैया हनी बी से मिलता है ना, हनी बी क्या है भैया, इंसेक्ट है ना, तो एनिमल सोर्स हुआ ना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, बताइए कैप्सूल आयुर्वेदिक है कि लोशन है कि टैबलेट है, नहीं ये सब एलोपैथिक है, तो आयुर्वेदिक कौन सा है, तो असावा हो गया, गुटिका हो गया, चूर्णा हो गया, भस्मा हो गया, ये सब किसका था, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन था। नेक्स्ट है, टैनिन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट,
लास्ट डे मैंने जब ऐप पर रिवीजन क्लास चलाई थी तो वहां पर टेनिन में स्पेशली मैंने गोल्ड बीटा टेस्ट को हाईलाइट करवाया था कि ये टेस्ट एल्कलॉइड का, ग्लाइकोसाइड का, टेनिन का टेस्ट जरूर बताया था। उसमें से गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया कि गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। टेनिन को हम लोग किससे देखते हैं, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी डायबिटिक, कौन सा एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक में आप देखिए कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए सिलेबस से क्वेश्चन आया है, मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट पेज में चलिए, हमारे गाइड के फर्स्ट पेज में आइए, गाइड में हम लोग एकदम अच्छे से सिलेबस को लिखे थे। चैप्टर 5 में आइए और एंटी डायबिटिक वाले रीजन में जाइए। एंटी डायबिटिक एंटी डायसेंट्रिक है, ये देखिए एंटी ट्यूमर हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव, रुकिए खोजने दीजिए मुझे। एंटी डायबिटिक, देखिए एंटी डायबिटिक में दो ड्रग्स दिया गया है सिलेबस में, टेरो कार्पस और जिमनेमा, और एक ऑप्शन में जिमनेमा डाल दिया है। तो भैया क्या दिक्कत है, आप दोनों याद रख लेंगे तो काम नहीं बन जाएगा। तो जो बच्चा का एग्जाम नहीं हुआ है भैया वो देख लो, सीखो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लो। जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा है ना, आंसर हो गया सीधा। योगर्ट इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने कई बार आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में बताया है अंतर, कई बार बोला है ना कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में रहता है, और योगर्ट का मतलब क्या होता है, दही होता है, कर्ड होता है, और कर्ड में क्या बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि हम लोग के शरीर के लिए बेनिफिशियल है, तो वो क्या हो गया, एक प्रोबायोटिक्स हो गया, क्या हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, ठीक है। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं, तो ये भी कोई तो दिक्कत नहीं है। वैद्यनाथ रोगन इज द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द आलमंड ऑयल, एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाया हुआ है कि आलमंड ऑयल ही क्या है, कमर्शियल प्रिपरेशन। वैद्यनाथ रोगन किसका कमर्शियल प्रिपरेशन है, तो आलमंड ऑयल का है। सैंडलवुड ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम डैश ऑफ द फैमिली सेंटेलेसी, सेंटेलेसी फैमिली से, तो सेंटेलम एल्बम है ना, सेंटेलम एल्बम प्लांट का नाम है, उससे दिया जाता है जो कि सेंटेलेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। बॉटनिकल नेम ऑफ नीम, नीम क्या है, डिसइंफेक्ट एंटीसेप्टिक में आता है ना, जो मेलियसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका क्या होता है बॉटनिकल नेम, तो एकदम बढ़िया से बताया गया था, एजेडिरेक्टा इंडिका है ना, एजेडिरेक्टा इंडिका, क्लियर है। मेन केमिकल कॉन्सेंट्रेट गार्लिक, अरे भैया पिछले देख लो भाई, मॉडल पेपर करवाए थे, पहला मॉडल पेपर में देखो यही क्वेश्चन करवाए थे कि गार्लिक का केमिकल कॉन्सेंट्रेट क्या है, तो उसमें लिखा हुआ था, आंसर करवाए थे एलिसिन। ऐसे नहीं कहते हैं कि आपको जो पढ़ा रहे उतना पढ़िए काम बन जाएगा, मॉडल पेपर में करवाया हुआ क्वेश्चन नहीं मेरा, ये यूट्यूब पे करवाया हुआ, मिला सकते हैं आप। कैस्टर ऑयल, और बच्चे कह रहे थे सर क्या करवा रहे हैं आप तो प्रीवियस, अरे भाई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन आया जा चुका है तभी तो मैं करवाता हूँ। कैस्टर ऑयल क्या है, आप कैस्टर ऑयल के लिए देखिए सिलेबस पढ़ लीजिए, बस देखिए मैं सिलेबस दिखाता हूँ, बस कहीं अंदर नहीं घुसेंगे। अरे भाई 126 पेज का गाइड है हमारा, आप पहला 5 पेज पढ़ लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, जो पढ़ा होगा आपको मैं कैस्टर ऑयल दिखाता हूँ। देखिए कैस्टर ऑयल किस केस में आता है, लेक्सेटिव के केस में आता है, हो गया। आप एलॉय कैस्टर ऑयल सब गुला से ना एकदम रटवा दिया था हमने बच्चों को, देखिए वहां से क्या कहता है, क्वेश्चन आ गया है ना, देखिए क्वेश्चन आया ना, कैस्टर ऑयल क्या हो जाएगा, लेक्सेटिव हो जाएगा। अब लेक्सेटिव की जगह कुछ बच्चे मेरे पेड क्लासेस के बच्चे थोड़ा सा होनहार बच्चे थे, उन्होंने परगेटिव लिख दिया और वो टेंशन में आ गए, सर गलती तो नहीं हो जाएगा। अरे नहीं भैया गलती क्यों कर देगा, यहाँ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं, परगेटिव कैस्टर ऑयल सही में बल्क लेक्सेटिव होता है, इसका आंसर परगेटिव और बेस्ट है। आप लेक्सेटिव लिखें अच्छी बात है, परगेटिव लिखे तो और बेहतर है ना। अब बेंजोइन भी देखो सिलेबस से क्वेश्चन आ गया, बेंजोइन क्या है, एंटीसेप्टिक है, देखो सिलेबस में आते हैं, एंटीसेप्टिक वाले रीजन में चलिए सिलेबस देखिए, एक सेकेंड मैं खोज कर दिखाता हूँ आपको। देखिए एंटीसेप्टिक वाले में क्या, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक पहला ऑप्शन ही क्या है, बेंजोइन है, बेंजोइन एंटीसेप्टिक होता है। देखिए अब क्या दिक्कत है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा इसमें, एक सेकेंड रुक जाइएगा हाँ, बेंजोइन क्या हो जाएगा आपका आंसर, एंटीसेप्टिक, समझे। तो अभी भी भैया समय है, जो नहीं पढ़े हो गाइड सिलेबस कम से कम सिलेबस रट लो, कोग्नोसी में और केमिस्ट्री में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऊल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, अरे भाई ऊल के में पढ़ाए थे हम कि सीप में एक मेथड होता है सियरिंग है ना, ट्रीमिंग सियरिंग होता है ना, सियरिंग करना मतलब बाल छीलना होता है एक तरीके से, तो सियरिंग मेथड से यहाँ पे सियरिंग फील हो जाएगा, उससे मिल जाएगा ऊल, तो हो गया। अब कुछ वन वर्ड में आंसर दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कई बार बोले और हर बार बोलते रहे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम मॉडल पेपर का क्वेश्चन है भाई, पिछले साल अभी जो नहीं तो तुमको विश्वास नहीं है ना, तो आप मॉडल पेपर देखिए, जो मॉडल पेपर 1 और 2 करवाए थे सब क्वेश्चन मिल जाएगा एक बगल से, डिजिटलिस के बारे में भी, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में भी, ऑक्सीटोसिक के बारे में भी,
सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर में कराया था, ऐसे हम लोग मॉडल पेपर नहीं बनाया भाई, कुछ सोच समझ के बना हुआ पेपर है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल देना था, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी जैसे कि क्या होता है गम वगैरह, जैसे अकेसिया दे दीजिए, अकेसिया हो गया, ट्रेगाकेंथ हो गया, ग्वारगम हो गया, ओपियम हो गया, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में है। ऑक्सीटोसिक ड्रग का एग्जांपल दीजिए, ये भी सिलेबस से क्वेश्चन है। देखो ऑक्सीटोसिक ड्रग में क्या है, एरगट है ना, खत्म कहानी, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो काहे कट फेल होना इसमें, ऐसे पेपर में अगर फेल हो गए तो फिर हम लोग के रहते समय था कि जब सही शिक्षा नहीं मिल पाता था, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता था। अब भतेड़े लगे हुए हैं, कई ऐसे YouTube चैनल है जिससे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप उदित फार्मेसी से पढ़िए, है ना, कई सारे लोग हैं, अब आपको फेल होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, लास्ट टाइम पे भी यदि पढ़ेंगे तो। फिर है त्रिदोषा थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन त्रिदोषा थ्योरी किसका है, आयुर्वेदिक सिस्टम का है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटेलिस, अरे भैया डिजिटेलिस के बारे में देख लो सिलेबस, देखो कितना क्वेश्चन सिलेबस से मैं करवा दिया। अभी बताओ आपको क्या बोला, डिजिटेलिस ना कार्डियोटोनिक ड्रग में होगा, देखो कार्डियोटोनिक ड्रग क्या, डिजिटेलिस है। अब डिजिटेलिस का यूज पूछ दिया, अरे कार्डियोटोनिक के तौर पे यूज करते हैं, और कार्डियोटोनिक ड्रग के बारे में अच्छा से आप जानते होंगे कि वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि हार्ट पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करके रहता है, हार्ट को मतलब कंट्रोल करता है। वॉट आर न्यूट्रास्यूटिकल, मॉडल पेपर का क्वेश्चन भैया, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, तो वैसा हमारा फूड कंपोनेंट जिसमें कि क्या होता है, वैसा हमारा सोर्स ऑफ के कहते हैं सोर्स, जिसमें कि न्यूट्रिशन भी हो, फार्मास्यूटिकल वैल्यूज भी हो, जिसमें कि थेरेप्टिक काउज भी हो, जैसे कि हमारा बॉडी में क्योर करने का भी काम करे, जो कि डॉक्टर स्टीफन डेफलिस नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था। ये लिख देंगे अच्छा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट, टॉप 30 टॉप 20 क्वेश्चन दिया था ना उस क्वेश्चन से आया है। देखो अल्कोलॉइड दिया था, मिला लेना जाके, अल्कोलॉइड क्या है और एग्जांपल आराम से दीजिए। तुलसी के बारे में, थियासाइनेसिस नाम के प्लांट से निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन इवैल्यूएशन मैंने बोला था पढ़ लेने, क्लासिफिकेशन आया है, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आया, इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन आया, एडल्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आया, ये तीनों चीज बार बार बोलता रहा कि तीनों चीज पढ़ लेना, आया, समझ रहे हो ना। What are the pharmaceutical application of volatile oil? Volatile oil के application कोई दिक्कत नहीं था। Pharmaceutical aid क्या है? आराम से लिख सकते थे आप ये सब चीजें। Write the chemical constituent of Rolfia and Isabula. Rolfia और Isabula। मैंने अपने live class में जब revision करा रहा था तो बोला था कि Rolfia का जो chemical constituent नहीं याद करेगा उसकी wife भाग जाएगी, उसकी कन्याइन भाग जाएगी। समझ में आया क्यों बोला था? क्योंकि हम लोग, क्योंकि कई बार पूछा गया है ना, इस बार भी पूछा जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रीवियस पेपर के पैटर्न को समझना पड़ता है। आप भी मेरे जगह अगर रहेंगे और दो चार मतलब थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपको भी अनुमान लग जाएगा क्या क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बोला था कि क्वेश्चन कन्यान भाग जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे पता था। ठीक है, रॉल्फिया इसबगुला का आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। राइट द यूज ऑफ गोखरू एंड सेना, गोखरू और सेना के बारे में, गोखरू आपका डायूरेटिक हो गया और सेना आपका लेक्सेटिव हो गया। डिफरेंस बिटवीन लाइगेचर एंड सूचर, लाइगेचर और सूचर में अच्छे से डिफरेंस बताया गया है मॉडल पेपर में, आराम से, जो सिर्फ मॉडल पेपर भी लास्ट में देख लिया होगा ना यूट्यूब पे और उसका क्वेश्चन का आंसर करके चला गया होगा, उसको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मैंने बोला था कि आयुर्वेदा, होम्योपैथिक और यूनानी, इस तीनों का बेसिक प्रिंसिपल जरूर याद रख लीजिएगा, तीनों में से कोई ये क्वेश्चन आ ही गया। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम एंड वसाका, ओपियम और वसाका का आपका क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है एकदम अच्छे से। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्या है, डिस्कस इन शॉर्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में करना था भैया, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं था। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन यानी कि मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन की भी बात की, क्वेश्चन करवाया हुआ है। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंपाउंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ विंका, विंका के बारे में, जिसमें कि विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन पाया जाता है जो कि एंटी ट्यूमर होता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, उसका सारा चीज लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें गाइड में दी हुई है, एक एक चीज गाइड में दी हुई है, 100% क्वेश्चन इससे आ गए, समझ रहे हो। इतनी पतली किताब, आपको कोई जरूरत नहीं है ठाकुर पब्लिकेशन जैसी मोटी मोटी किताब पढ़ने की, है ना। डिफाइन ग्लाइकोसाइड, राइट अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, मैंने बोला था कि जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका डेफिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बस तीन चीज पढ़ लो, आइसोलेशन वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं उतना, देख लो भाई वैसा ही क्वेश्चन आया। गिव द सोर्स एंड थेरेप्टिक और एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, वो क्वेश्चन आए।
राइट इन शॉर्ट ऑफ एलोवेरा जेल। अब यूट्यूब वाले बच्चे लोग सर कहाँ पढ़ाए थे, अरे भाई यहाँ पे लाइव क्लास चलता था उदित फार्मेसी के ऐप पर, वहां पर ये सब चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल, अब इसमें करोगे सर, कई कई बच्चे कहते हैं सर सब कुछ फ्री करवा दीजिए, अरे भाई कोई सिस्टम चलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, आपको सही तरीके से आपको सब चीज तभी डिलीवर किया जा पाएगा जब तक कि कुछ उसके लिए फंड नहीं होगा। कॉलेज में जब दो दो लाख रुपए पे कर देते हैं और बस डिग्री के लिए, उसमें भी जब मांगे तब जब चीज के लिए कॉलेज में पैसा लगता है, यहाँ पे 1000-1200 में आपको कोर्स, 1000-1500 में कोर्स मिलता है जो कि पूरा ईमानदारी से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आते हैं वहां से, तब आप लोगों को फ्री चाहिए होता है, गजब है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब हजारों की संख्या में बच्चे हमारे साथ ऐप पर पढ़ते थे, समझ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। सारे टर्म्स मैंने समझाया, ऑक्सीटोसिक, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक, कार्डियोटोनिक, एंटी मलेरियल, एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें से सारे टर्म, कोई ऐसा टर्म नहीं होगा मेरा लाइव क्लास का बच्चा जिसको पता नहीं होगा, एक एक बार नहीं पांच पांच बार मैंने सब चीजें करवाई रखी है, कोई दिक्कत नहीं था। तो सब क्वेश्चन अच्छा आया है, आपका भी अच्छा आएगा, बस कोई हिम्मत रखना है, अच्छे से पढ़ना है, गाइड मंगवा लिए हैं तो गाइड पढ़िए, विश्वास रखिए। अगर ऐप पर कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते तो अभी भी आपके पास यदि मौका है, अदर स्टेट में एग्जाम में टाइम है तो अभी भी आपको परचेज करिए वहां पे ऐप पर कोर्स को और पढ़ना शुरू कीजिए। ये 1000-1200 रुपये मत देखिए, आपका अच्छा हो जाएगा, बैक वैक लगने से बच जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों के पेपर कैसे गए और मेरे पढ़ाई से कितना मदद हुआ आपको, कितना अच्छा लगा। और अब फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर आज करवाएंगे हम, आज शाम तक में आपको फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर भी यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।